हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। दोस्तों, आज का वीडियो इसी आयोग में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी चल रही है और नए विज्ञापन की मांग चल रही है, उससे संबंधित रहने वाला है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं पहले आपको दिखाता हूं जो स्टूडेंट के द्वारा RTI लगाई गई थी, उसका UP SSC ने रिप्लाई किया है। आपको मैं 2-3 RTI दिखाता हूं, उससे काफ़ी आपको समझ में आएगा कि आयोग क्या कर रहा है, क्यों इसका परिणाम दिन पर दिन डिले होता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको RTI दिखाता हूँ 1x1। दोस्तों, ये RTI है जो कि श्री आनंद कुमार मौर्य जी ने लगाई है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि काफ़ी स्टूडेंट को इससे जानकारी मिली है। दोस्तों, इसमें उन्होंने पूछा था कि UP SSC नया विज्ञापन 2018 के बाद कब जारी करेगा। तो दोस्तों, इसमें UP SSC ने बताया है कि ये शासनादेशों के अनुसार अध्याचन प्राप्त होने पर विज्ञापन हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाती है, और जो इनके पास अध्याचन प्राप्त हुए हैं उनका ये परीक्षण कर रहे हैं, और इसका परीक्षण होते ही यथाशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, इसमें भी UP SSC ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने कोई भी टाइम लिमिट, कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया है, इससे कि अभी विज्ञापन में कुछ समय लग सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक और RTI दिखाता हूं जो कि UP SSC 2018 के रिजल्ट के संबंध में है। दोस्तों, ये एक और RTI है जो कि श्री राज बहादुर यादव जी के द्वारा लगाई गई थी। इन्होंने इस RTI में पूछा था कि 2018 का जो एग्ज़ाम परिणाम है वो कब जारी किया जाएगा। दोस्तों, इसमें भी आयोग ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। इसमें बोला है कि 4/2018 अवर अभियंता प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, और ये यथाशीघ्र वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों, इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कब तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं। अब कुछ और डिले करेगा, ये लमसम 2-4 महीने और लेगा। दोस्तों, ये एक और RTI है जो कि आपके साथी अंकुश कुमार द्वारा लगाई गई थी। दोस्तों, इसमें इन्होंने ये जानकारी प्राप्त की थी कि जूनियर इंजीनियर 2018 का जो विज्ञापन था उसमें कितनी महिलाओं ने आवेदन किया था। दोस्तों, इसमें आयोग ने कुछ महिलाओं की संख्या एग्जैक्ट बता दी। इसमें महिलाओं की संख्या जो बताई है, 10,534 महिलाओं ने 2018 जूनियर इंजीनियर में आवेदन किया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें जो महिलाओं की सीट 2018 वाले में है आपकी 287 है, 287 सीटें आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं 2018 के विज्ञापन में। और इसके एवज में जो आवेदन आए थे वो दोस्तों आयोग के द्वारा जो बताया गया है 10,534 आवेदन है। दोस्तों, महिलाओं में जो कंपटीशन रहा था वो एक सीट पर 36 महिलाएं फाइट कर रही थीं। दोस्तों, अभी आयोग 2016 का परिणाम घोषित करेगा, उसके बाद 2018 वाले का परिणाम घोषित करेगा। दोस्तों, अभी UP SSC 2016 में 2-3 महीने का वक्त लगेगा, उसके बाद 2018 में भी 3-4 महीने का वक्त लगेगा। आप लमसम मान लीजिए कि 2018 वाले में लमसम अभी 6 मंथ हैं ज्वाइनिंग तक का समय है। आपको ज्वाइनिंग जो मिलेगी 2018 के लिए वो लमसम आपके 6 महीने अभी आयोग और ले लेगा। दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और भी एग्जामों की अभी आप बिल्कुल तैयारी मत छोड़िए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी UP SSC के बारे में। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।